हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आइसक्रीम शॉप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में शॉर्ट आउट है, तो पूरी वीडियो ज़रूर से देखना। तो यहाँ मैंने एक कलर पेपर ले ली हूँ, पिंक कलर का, एंड कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी भी स्किप मत करना, पूरी देखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मज़ेदार मतलब वीडियो होने वाली है आज की, एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फनी भी है। बिकॉज ये प्रिटेंड प्ले आइसक्रीम शॉप है, तो मैं एंड में आपको ऐसे प्रिटेंड प्ले का एक स्किट भी दिखाऊंगी, तो बहुत ही कॉमेडी है, ज़रूर से देखना पूरी वीडियो। तो ये हम बना रहे अपनी पहली कैंडी आइसक्रीम। तो देखिए, ये बिल्कुल रेडी है, बस इसके एजेस को कट कर लेना है। एंड ये देखिए, अब एकदम रेडी हो गई है हमारी कैंडी आइसक्रीम फर्स्ट। तो सेकंड हम बनाते हैं मेलन आइसक्रीम, वाटरमेलन आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, और कमेंट करके मुझे बताना। और ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग थी, काफ़ी दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इंटरेस्टिंग सा करूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम हो गया ये वीडियो आने में। सो ये वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। एंड ये छोटा सा हम आइसक्रीम शॉप बनाएंगे, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इन फ्यूचर मैं और भी अच्छे अच्छे होममेड शॉप्स आपको आइडिया दूंगी। तो देखिए, यहाँ मैंने चार पेपर की कैंडी आइसक्रीम बना ली हूँ। तो चलिए बना लेते हैं अब कुछ और तरीके की आइसक्रीम, और अब हम बनाएंगे कपकेक आइसक्रीम। तो सिंपली से आपको ले लेना है कॉटन एंड कलर पेपर। तो देखिए, अब किस तरीके से आपको ये आइसक्रीम बनाना है। यहाँ जस्ट कॉटन को आपको लेना है राउंड शेप में रोल रोल करके, उसी के ऊपर पेपर को भी रोल कर देना है, देखिए कुछ इस तरीके से राउंड शेप। सो फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है ये, ऐसे आप आइसक्रीम बहुत ही इजीली भी बना पाओगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। सो ज़रूर से ट्राई करना है। एंड चलिए बनाते हैं। अब ये देखिए, ये ऊपर की आइसक्रीम बन चुकी है। अब इस पर हम लोग कुछ स्प्रिंकल्स को स्प्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस पर स्प्रिंकल्स लगाती हूँ। तो देखिए, अभी हमको लेना है पेपर कप। तो ये देखिए पेपर कप्स हैं, हमें देखिए एकदम रियल आइसक्रीम ये लग रहा है ना, देखिए कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। तो चलिए, हमारी चार कैंडी आइसक्रीम एंड दो कपकेक आइसक्रीम रेडी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आप अच्छी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स इस पर आया ना, तो मैं और भी बड़ी आइसक्रीम शॉप बनाऊँगी। तो देखिए, अभी ये मैंने शॉप के लिए मैंने ले ली हूँ शू बॉक्स, एंड यहाँ पर मैं कुछ डाल रही हूँ बास्केट्स। आप कुछ भी ऐसे बॉक्स या बास्केट्स ले सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कलरफुल मेरे पास वो थे, स्टोरेज बॉक्स थे। एंड ये है LLPT का स्ट्रॉन्ग एक्रेलिक टेप, तो मैं काफ़ी वीडियो में इसे यूज़ करती हूँ और आपको पता है इसकी स्ट्रांगनेस क्या है, बिकॉज हमने इसे होममेड स्टडी टेबल बनाया था, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब वो वायरल हुई थी, और वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैम। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे टेप लगा के मैंने यहाँ पे दोनों भी जो स्टोरेज बॉक्स को स्टिक कर दी हूँ, एंड यहाँ पे हम ये जो ब्राउन बास्केट को भी स्टिक कर देंगे, ताकि हम उसमें अपने आइसक्रीम स्टिक्स स्पून्स वगैरह डाल सकें। तो देखिए, अभी हमारा कुछ शॉप समझ लो, हमारी शॉप बन रही है, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हमारी शॉप तैयार हो रही है। तो देखिए, अब हम ये आइसक्रीम्स निकाल के यहाँ पर रख लेंगे। मैंने कुछ इस तरीके का शू बॉक्स लिया हूँ बास्केट्स, बिकॉज हम लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे ये हमारा नीचे डीप फ्रीज़र है। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइड में मैंने यहाँ पर पेपर कप्स, एंड चलिए इस पर, अरे रबर बैंड टूट गया। तो देखिए, अभी मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक्स रख देती हूँ, आइसक्रीम स्पूनस रख देते हैं हम लोग। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आइसक्रीम स्पून है। एंड ये इतना पेंसिल का टॉपर था, तो हम लोग इसे रेनबो आइसक्रीम के तौर पे यूज़ करेंगे। एंड ये हमारी चार पेपर की कैंडी आइसक्रीम्स, और ये है कॉटन। तो कुछ वैनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोग सिंपल सा कॉटन ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, हो कुछ भी स्किप मत करना, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है। हम लोग अपनी शॉप खोलेंगे एंड बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे ख़रीदने, मज़ा आएगा। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, एंड में वीडियो में शॉर्ट आउट भी है। तो चलिए, हमने छोटी सी ले लेते हैं यहाँ पर बकेट, एंड इसमें कुछ गार्निशिंग का सामान रख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे भी भर भर के लाइक करना एंड बहुत सारा प्यार देना। एंड अगर ये वीडियो भी बहुत अच्छी गई, इन वीडियो का लाइक टारगेट रख लेते हैं कुछ 5000। अगर ये लाइक टारगेट जल्दी हो गया कंप्लीट, तो मैं इन फ्यूचर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स लेकर आने वाली हूँ होममेड, जो आपको बहुत मज़ा आएगा। लॉकडाउन के पीरियड में आप ये कुछ इस तरीके के क्राफ्ट्स ट्राई कर सकते हो और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, चलिए हम लोग ये शॉप के जो बैनर बना रहे हैं, एंड शॉप के बैनर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टिक्स एंड पेपर ले ली हूँ। तो चलिए इसे स्टिक कर देते हैं। स्टिक करने से पहले मैं इस पे अपने देखिए, यहाँ पे मैं ग्लू लगाने के बाद अपने शॉप का नाम लिख देती हूँ। तो ये यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं फेविबॉन्ड, एंड एक मिनट हम लोग इस पे कुछ लिख लेते हैं। अपने शॉप का नाम तो रहेगा ट्विन टैग आइसक्रीम शॉप। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हो अपने शॉप का बैनर। तो देखिए, हमारी शॉप अब बिल्कुल रेडी है, एकदम रेडी है। और कितनी मेहनत की हम लोग ने अपनी शॉप बनाने में, एंड चलिए अब कुछ पैसे कमाते हैं और ये हमारी शॉप खुल गई। तो चलिए, यहाँ मैं ये पॉप्सिकल का सपोर्टर लगा देती हूँ शॉप को ओपन रखने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग ना कुछ मनी रख लेते हैं कुछ यहाँ पर, ताकि हम जो कस्टमर्स आए उन्हें जो चेंज दे सकें यहाँ पर। हम ये हमारा ये कैश बॉक्स रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वेट करते हैं फर्स्ट कस्टमर का। तो हमारे पहले कस्टमर आ गए हैं, एंड गाइज हमारे फर्स्ट कस्टमर है पिंकी। तो चलिए, पिंकी को रेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए, तो चलिए इसे दे देते हैं रेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो पिंकी ने हमें दिया है 100 रुपीज़। तो ये आइसक्रीम है 70 रुपीज़ की, तो मैं इसे 30 रुपीज़ रिटर्न कर देती हूँ। तो चलिए, सेकेंड कस्टमर है राजू, एंड राजू को चाहिए 20 रुपीज़ की कैंडी, तो इसे कैंडी दे देते हैं, ये वाली कैंडी। एंड हमारे थर्ड कस्टमर का वेट करते हैं। थर्ड कस्टमर है जैनब। ये थर्ड कस्टमर जैनब है, एंड जैनब को चाहिए रेनबो आइसक्रीम। तो जैनब कौन है आपको पता है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए, इसे भी दे देते हैं। कुछ गार्निशिंग करने के लिए हम यहाँ पे स्प्रिंकल्स ऐड कर देते हैं, एंड चलिए इसे भी दे देते हैं, एंड इसे भी चेंज दे देते हैं। ये हमारी रेनबो आइसक्रीम है 80 रुपीज़ की, तो 20 रुपीज़ रिटर्न कर देते हैं। चलो जाओ भी, एंड चलिए फिर से आइए। जैनब 10 रुपये की कैंडी चाहिए उसे, चलिए उसे 10 रुपये की कैंडी दे देते हैं। एंड फिर से आई जैनब, उसे चाहिए अब वेनिला की आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम जो कि हम लोग ने सिंपल प्लेन कॉटन से बनाए थे। तो चलिए, ये भी दे देते हैं हम। और कैसी लगी है सारी आइसक्रीम बनाने की आइडियाज़, आप भी ज़रूर से ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। और आप ऐसे लॉकडाउन में टाइम पास कर सकते हो ये क्राफ्ट बना के। एंड तो चलिए, इसे भी चेंज रिटर्न कर देते हैं 15 रुपीज़। तो कैसी लगी आज की ये अमेजिंग सी वीडियो, और आज हम लोग ने अर्न किया है 215 रुपीज़। तो देखिए, कितना अच्छा खासा हम लोग ने अर्न कर लिए लॉकडाउन में। तो देखिए, कुछ आइसक्रीम रह गई है, अब कल हम अपनी शॉप खोलेंगे और यहाँ पे सब जो भी सामान बचा हुआ है उसे अंदर अच्छे से रख देते हैं, एंड अब हम अपना फ्रीजर बंद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये अमेजिंग सी वीडियो और कैसे लगा हमारे प्रिटेंड प्ले एक्ट, तो ज़रूर से ट्राई करना है। अगर आपने ट्राई किया तो इंस्टाग्राम पे मुझे उसकी पिक ज़रूर से भेज सकते हो, ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। तो चलिए, ये है कुछ शाउटआउट्स, तो कुछ शाउटआउट्स देख लीजिए। आज भी आपका नाम नहीं आया तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, एंड कुछ साइंस डाल दो ताकि मुझे पता चले आप आज भी आपको शाउटआउट में आपका नाम नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से डाल दूँगी। तो देखिए, बहुत सारे मैंने कमेंट कवर करने की यहाँ पर कोशिश की हूँ, बहुत सारे हैं, तो होप कि आपका नाम आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। ओके देन, टेक केयर, गुड बाय।